हेलो दोस्तों, आखिरकार मैंने भीमताल से मछली पकड़ ही ली। तो दोस्तों देख सकते हो आप, ये है मेरे गांव का सुंदर सुंदर नज़ारा। तो दोस्तों आज मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ, जो कि हम मेरे भाई और मेरी बहन जी हम लोग जाने वाले हैं भीमताल के ताल में, वहाँ हम करने वाले फिशिंग। तो दोस्तों चलते हैं पास बनाने और आपको दिखाएंगे पास कहाँ से बनता है और कितने के रुपये का बनता है। चलो दोस्तों। दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रैवल विद सुमन। तो दोस्तों आज हम आए थे जो हमारा गांव है भीमताल में, और भाई और जो हमारी बहन जी है, हम जा रहे हैं अभी दोस्तों क्या करने, फिशिंग करने। तो दोस्तों यहां से हमने बनाया पास, यहां देख सकते हो आप दोस्तों, इसमें कितने का बनता है भाई ये पास? 30 रुपये का। 30 रुपये का। और तेरा पास दिखा भाई कहाँ है? 30 रुपये। तेरा पास कहाँ? 30 रुपये में हमने उनसे पूछा कि मतलब कितनी मच्छी हम पकड़ सकते हैं। तो बोला उन्होंने कि आप एक ही फिशिंग रॉड लगा सकते हो। तो भाई का ही देख सकते हो, भाई ने तो पूरा मोड़ के रख दिया है। तो भाई देखो, भाई का ये मतलब जो एरिया है जहाँ पे हम बैठेंगे, तो वहाँ पे उनका लाइसेंस बनाना पड़ता है। नहीं तो अगर ऐसे पकड़ लेते ना भाई, अगर लाइसेंस नहीं होगा तो, है ना भाई? तो भाई तो बोल ही नहीं रहा है, मतलब अगर बिना लाइसेंस के हम चलान हो जाता है ना, तो चलान में कितना देना पड़ता है फिर? 1500। बाप रे, 1500, मतलब 30 रुपये का हम ये बना लें, इससे बड़ी यही है ना भाई। फिर चलते हैं दोस्तों अभी आगे की तरफ। चलो सरिस्का, चलते हैं दोस्तों इधर से आगे और करते हैं फिशिंग। तो दोस्तों दिखाएंगे आज हम फिशिंग कैसे करते हैं, और भाई भी मुझे थोड़ा बताएगा। तो भाई देख सकते हैं भीमताल का जो मौसम है वो कितना सुहाना हो चुका है। भाई चला रहे हैं गाड़ी, हम जी बैठी है पीछे। तो दोस्तों देखो हल्द्वानी की गाड़ी, ये देखो दोस्तों ये है थाना भीमताल। तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं पानी कितना सूख चुका है, हल्के हल्के समय में। दोस्तों मतलब जून के टाइम में लोगों का आना जाना बहुत हो रहा है। देखो पानी कितना सूख चुका है, देखो भाई ये देखो भाई ताल देखो कैसा हो गया है। वो JCB लगा है, वहाँ काम चल रहा है। ये देखो पूरा ताल सूख चुका है दोस्तों यहाँ पे। और देखो अब हम फिशिंग करने जाएंगे, आपको दिखाएंगे। गाय भी चल रही है, देखो भाई बीच में फैल कर रखना। ये देखो भाई गाय चल रही है बीच में, आप देख सकते हो। देखो पूरे टापू में गाय चल रही है, क्योंकि वहाँ भाई घास सूख चुकी है, तो वहाँ गाय चरने गए। देखो ना भाई यहाँ से देखो भाई दोस्तों, देखो वो देखो दोस्तों बीच में देखो, ये देखो गाय चल रही है भाई वहाँ पे। तो दोस्तों अभी हम फिशिंग जहाँ करेंगे, आपको दिखाते हैं कि कैसा वहाँ का हमने सीन है। गाड़ी पार्किंग, तो अभी चलते हैं दोस्तों हम फिशिंग करने नीचे। देखो वो भाई हम बैग में बिल्कुल जो मछलियों का चारा होता है भाई, क्योंकि यहाँ ना पानी बहुत कम हो चुका है। तो और आपको एक मंदिर भी दिखाऊँ दोस्तों, पिचुला मंदिर है वहाँ पर। तो देखो यहाँ से हम जा रहे हैं नीचे की तरफ, भाई मस्त सीन होने वाला है। भाई बोरियत लग रही थी, देखो देहरादून में तो दोस्तों बहुत गर्मी चल रही है, तो हमने सोचा यार अपने गाँव क्यों ना चले, तो हम पहाड़ आ चुके थे। तो अभी हम करने जा रहे हैं फिशिंग। भाई देखो इतना बड़ा झील है, और सुबह भी आपको मैंने वीडियो दिखाई थी कि मतलब यहाँ का पानी सूख चुका है। भाई सीन देखो क्या मस्त है। तो यहाँ चल रहे हैं भाई और मैं, ये देखो भाई देखो वोटिंग, देखो भाई यहाँ पे, ये देखो भाई तरु कैसा लग रहा है, ये देखो भाई क्या गजब सीन आ रहा है, तगड़ा दोस्तों। यहाँ पे देखो हम फिशिंग कर रहे हैं। तो देखो ये देखो भाई बोल रहे हैं यहाँ पे बैठते हैं। कहाँ पे बैठे हैं? आ जाएगी भाई इधर से। तो भाई देखो इतना बड़ा टापू है, यहाँ देखो गजब का सीन हो रहा है भाई। ये देखो पानी क्या तगड़ा चल रहा है, ये देखो भाई। तो दोस्तों वो आपको मैं घर दिखा देता हूँ, वहाँ पे प्रीति चिंटी की जो पिक्चर आई थी ना दोस्तों, कोई मिल गया तो वो है। सर देखो वो घर, ना ना वो जो कोई मिल गया पिक्चर, वो घर दिख रहा, हाँ जहाँ पर भागता नहीं फूल लेके वो है। तो दोस्तों वो देखो प्रीति चिंटा का घर। तो दोस्तों ये देखो भाई कैसे लगाते हैं, मतलब जो मच्छी पकड़ने के लिए क्या करना पड़ता है, क्या बोलते हैं इसको? कांटा। कांटा ना, चने चने में महासेर फंसती है। अच्छा महासेर मतलब क्या, मच्छी का नाम है? हाँ। अच्छा दोस्तों महासेर मच्छी का नाम है, और भाई अभी लगा रहा है। देखो लगाओ भाई, देखो भाई की टेक्निक देखो, ये देखो अभी हम फेंकेंगे भाई दूर फेंकने के लिए खा डाली। तो अभी इसको देखते हैं, ये भाई फेंक रहे दोबारा, देखो इसकी टेक्निक देखते हैं हम। ये देखो भाई ये घुमाया भाई ने 5-6 बार अपने सिर में घुमा रहा है ये। तो ये देखो 1 2 3, तो भाई चलो ये अब फेंका भाई ने तेज, देखो वहाँ पे ठीक है। तो अब ये लगा रहा है भाई फिशिंग के लिए। सर इसका तो बहुत खींच रही है, थोड़ी थोड़ी बारिश भी आ रही है दोस्तों यहाँ पे। क्या हुआ लग गया? अच्छा तो भाई ये ऐसे लगाना पड़ता है क्या? तो देखो दोस्तों टेक्निक देखो भाई की, इसके बारे में फूँगा ठीक है भाई। ये देखो ये पत्थर से मतलब इसको रोल करना पड़ता है ना, कि मतलब ये चले ना जाए। तो दोस्तों देखते हैं हम कितने देर में मछली आती है, और भाई पता कैसे चलेगा कि मछली ने मतलब पकड़ लिया है, तो क्या ये हिलेगा? अभी इसमें लगाऊंगा मैं घाव। हाँ, घाव मतलब? घाव यानी कि आटा। तो क्यों आगे तो लगाया है भाई, यहाँ से क्या पता चलेगा ये है आटा? हाँ तो ये आटा कहाँ लगाना पड़ेगा? यहाँ पे वो
तो इससे क्या होगा यहाँ पे लगाने के लिए, दिखाओ जरा। इससे पता लगेगा कि मच्छी फंस चुकी है। ये आटा ऐसे लगा दिया। हाँ, अब देखो दोस्तों, आप टेक्निक देखो भाई, ये देखो, मतलब ऐसे लगा दिया, ऐसे लगा दिया। हाँ, अब ये आटा आगे आगे को जाएगा, तो समझ लेना शिकार हो रहा है, शिकार हो रहा है। ये देखो दोस्तों, भाई की टेक्निक, ये आटा लग गया। ये आटा ऐसे खिसकते जाएगा आगे को, आटा जाएगा या इसकी वो जाएगी, अरे आगे को जाएगा ये, हैं तो फंसेगा। चलो देखते हैं दोस्तों, एक तो लगा दिया है, अभी अब मैं लगाता हूँ। अब अच्छे से आना चाहिए गाइस, देखते हैं। चलो देखो, ये गया। तो दोस्तों अभी दाई ने भी मछली पकड़ी है, देखते हैं कितनी किलो की मच्छी है। हमने तो सोचा मौसा बैठे हैं, मौसा भी बैठे हैं इधर, मौसा बैठे हैं। अच्छा दोस्तों देखो क्या सीन आ रहा है, तगड़ा दिखा रहा। कितने देर से बैठे हो? हैं इतनी जल्दी हो जाता है? दोस्तों देखते हैं कहाँ पे है। ये देखो भाई, ये पकड़, ये देखो फिश, इतनी मस्त लग रही है। कितने किलो की होगी? किलो नहीं होगी ना, पाव की होगी ना, आधा किलो, आधा किलो। तो देखो दोस्तों, तो दाई ने मछली पकड़ी है दोस्तों, आ जा सर। तो दोस्तों गजब, ये देखो, ये देखो सर, इधर आए, ऐसे ऐसे दिखाई, इधर से दिखाई, इधर से ऐसे करके मैंने मछली पकड़ी बोल। तो दोस्तों देखो, दाई ने पकड़ी मछली। तो कितने छोटे में लगाने में आ जाती है दाई? छोटे में लगाने में आ जाती है, चल रही है। हाँ, इसको तूने बांध दिया ना, अभी जिंदा रहेगी। हैं, देखा तो आगे हैं क्या वो सा? हाँ, चलो देखते आते हैं एक बार। अरे रुक के, वो निक्की भी आ रहा है। माँ मैंने मच्छी पकड़ ली, देखो दोस्तों, देख सकते हैं गाइस, वो ये पूनम की लड़की हुई ना, पास आ सर, देखो गाइस इधर से, इधर से देखो गाइस, देखो मछली कितना आ रहा है, शक्ल देखना, शक्ल भी आनी चाहिए। चलो अब आगे चलते हैं, लगा रहे हैं दोस्तों, अभी हम देखते हैं हमारे उसमें क्या होता है। भाई दाई बोल रहे हैं कि आधा घंटा लगाने से शायद मच्छी आ गई है ना सर। तो दोस्तों अभी हम यहाँ से जाते हैं, यहाँ से भाई ये है हमारा, ये लगा रखा है दोस्तों, यहाँ पे देखो ये है। तो वहाँ पे बहुत सारी मछलियाँ उछल रही है, और भाई ने वहाँ पे लगा रखा है, हमें लगा रखा है। अब ये लोग बैठे हैं दोस्तों, एक दो घंटे हो चुके हैं, बट भाई टाइम लगता है मच्छी पकड़ने में, क्योंकि यहाँ की मच्छी थोड़ा सतर्क है दोस्तों। शिकार करना आसान नहीं है ये भी पहाड़ों में, क्योंकि पहाड़ी मच्छी है भाई, थोड़ा तो वो होगा ना। अभी देखते हैं दोस्तों कितना टाइम लगेगा हमारी मच्छी फंसने में। आज 30 रुपये बर्बाद होते हैं कि हमें मच्छी मिलेगी, तो बने रहें दोस्तों। भाई कब तक आएगी मच्छी? भाई मौसम देखो ना कितना तगड़ा हो चुका है वो, देखो बिल्कुल भाई, और बारिश आने वाली है थोड़ी बहुत। देखते हैं दोस्तों आज हमारे उसमें मच्छी आ गई। शाम के अभी 3:30 बज चुके हैं, और बट अभी मच्छी का कोई आता पता नहीं है, जो कांटे में मच्छी लगी नहीं है। देखते हैं दोस्तों 5-6 बजे तक अगर मच्छी आई तो ठीक है, नहीं तो घर चलेंगे, और ये ब्लॉग देख लेना बिना मच्छी के। देखते हैं भाई क्या होता है, आज हमारे कांटे में मच्छी लगेगी या नहीं। दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो भाई गजब गजब गजब, बारिश बंद हो चुकी है दोस्तों। जब आपको बता दूँ, मच्छी अगर वहाँ से खाएगी चारे को, तो दोस्तों जो ये ऊपर वाला पत्थर है वो गिर जाएगा, और मच्छी खींचने लगेगा, तब हम उसको खींचेंगे। देखते हैं क्या होता है दोस्तों, आज फंसती नहीं फंसती, हमारा जो पास बना था वो ऐसी ख़त्म हो जाएगा कि बस कुछ मिलेगा आज खाने के लिए। तो अब मेरा खाना आया, देखो ये इतना लेट आ रहा है, 3:30-4 बज गया दोस्तों। ये देखो भाई इतने जल्दी क्यों आया, कल आता, क्या क्या लेके आया, क्या लेके आया, आराम से, क्या क्या लेके आया, चलो समोसे बस। दोस्त तू भाई लेके आया समोसे, अबे छाता देना अपना, तो रेनकोट ऑर्डर का साले, ला इधर दे छाता। तो भाई अब आ रहा है, देखो खाने के लिए कुछ लेके आया, देखता हूँ दोस्तों क्या है, भूख लग रही है भाई। दोबारा डाला भाई कांटा दाई ने, सब डाले तीनों, खाई नहीं कुछ भी, तूने चने साले इतने उबाल रखे थे कि बस बात ही क्या थी, इतने सख्त वो खाते मच्छी, वहाँ आके आके फेंके भयंकर, हाँ थे उबले हुए, खाते हैं भाई।
भाई दोस्तों समोसे, ये देखो भाई मौसम ही तगड़ा है यहाँ समोसे खाने का, ठंडे हो रहे यार ये तो हल्के हल्के, पता नहीं ये देख गरम है। तो दोस्तों आ जाओ समोसा खाने, उसकी चटनी को हाँ खोल देना, टेस्टी हो रहा। देखो दोस्तों ऐसा मौसम और समोसे, पैक तो नहीं लगाया पैक, तभी बड़बड़ा रहे हैं भाई। बेटा तुमने खाया लिया? अभी भाई लोग नहीं पकड़ा है, हम लोग घूम ही रहे हैं। देखो दिखाओ ना कैसा वाला है, दिखाओ कैसा है हमको भी, इधर से दिखाओ जरा कैसा वाला होता है, इधर करो पीछे अच्छा ऐसा वाला होता है, क्या बोलते हैं इसको, राउड राउड। अच्छा जब देखो दोस्तों भाई ने पकड़ी, तो ये तो छीलते ही खत्म हो जाएगी, ये तो छीलते ही खत्म हो जाएगी है, वहाँ पे भी है ना वो देखो। अरे रहने दे, उन लोगों ने डाल रखा, आएगी आएगी नहीं आएगा नहीं वो यार टाइम लगता है ना हर चीज़ में, ना हर चीज़ में टाइम बड़ाई वाली आती है ना। तो भाई लोग ने एक पकड़ लिया, दूसरा वाला कांटा नीचे नहीं आया अभी। तो सब लोग की मच्छी आ गई, हम लोगों की मच्छी फंस गई भाई। शाम हो चुकी है, मौसम देखो क्या सुहाना लग रहा है भाई। भाई समोसे खा के बिल्कुल अजीब सा हो गया भाई, ठंडे समोसे थे भाई, पता नहीं किसकी दुकान से लेके आया बिल्कुल ठंडे समोसे। अभी हमने लगा रखा, अभी हमारा पता नहीं क्या पता 10-15 किलो का आएगा ना भाई, है भाई हम कौन सी मच्छी पकड़ने वाले, महाशेर क्या नाम है उसका भाई, महाशेर नाम तो बता दे कौन सी, महाशेर गोल्डन महाशेर। तो दोस्तों देखो, तो दोस्तों देख सकते हो दाई तो पूरा चित्त सो रहे हैं मजे से, ये देखो देखो दाई सो रहे हैं मजे से, वो गया चार दिया इंसान ने। तो दोस्तों देखो अभी ये लगा रखा है बंदे यहाँ पे, क्या होता है देखो, वो देखो भाई बीच में वो सारे पकड़ रहे हैं, ये दो दो दिखा ये दो दो ऐसा कितने कितने पाव पाव भर की है, महाशीर मछली पाव, इसका नाम क्या है, महाशीर मछली, महाशीर। तो दोस्तों देख सकते हो महाशीर मछली पकड़ी आज दो, तो इस तालाब से पकड़ी है जो कि है भीमताल में, नैनीताल भीमताल। तो दोस्तों यहाँ की आप तो दोस्तों यहाँ का बनाना पड़ता है पास, तब अलाउड है मच्छी मारना, ये देखो। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगती है, तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ट्रैवलिंग विद सुब्बू को। बाय बाय दोस्तों।